प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 की प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने 15.1 के लिए जो बेसिक वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने से पहले एक बार वो वीडियो देख ले, ताकि एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको बेहद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो ये जो कथन दिए हुए हैं इनको हमें पूरा करना है। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है कि घटना ई की प्रायिकता, कोई घटना है ई, उसकी प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है। यानी कि घटना ई और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का जोड़ क्या बनेगा। तो हमने बेसिक वीडियो में पहले बच्चों किया था कि किसी भी घटना और के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो प्रायिकता हमें कितनी मिलती है, एक। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का जो जोड़ है वो कितना होता है, एक। तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, जैसे P प्रायिकता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए है, E घटना की प्रायिकता प्लस E घटना नहीं, E के ऊपर बार लगा दिया तो ये घटना E नहीं की प्रायिकता, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितना आता है, एक आता है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ये मैथमेटिकली रूप हो जाएगा इसका। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसके ना होने की प्रायिकता, इसका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, एक होता है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अब देखो जो घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसके अनुकूल कोई परिणाम ही नहीं होगा, तो उसके अनुकूल अगर कोई परिणाम ही नहीं हुआ तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, जीरो होगी। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती जीरो है, यानी कि उसकी प्रायिकता वो कितनी होगी, जीरो। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऐसी घटना असंभव, असंभव घटना, ये इसका आंसर है, असंभव घटना कहलाती है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती जीरो होती है, और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। इसी प्रकार तीसरा पार्ट है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता जो होनी होनी है, मतलब एक डाई उछाल ली हमने, सात से छोटा अंक आना है, तो डाई जब आप उछालोगे, पांच से दो उछालोगे तो एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ जाए, सात से छोटा ही होगा, तो ये तो होना ही होना है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसका होना ही होना निश्चित ही है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक होगी। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता एक होगी। और ऐसी घटना उसको क्या कहलाती है, उसको क्या कहेंगे, ऐसी घटना उसको लिखेंगे निश्चित घटना। ये इस ब्लैंक में ही आएगा, निश्चित घटना कहलाती है। तो यहां पे अगर हम पहले तीन पार्ट्स की बात करें तो हमने तीन बातें सीखी कि एक तो सबसे पहली बात, किसी भी घटना के होने और उसके ना होने की जो प्रायिकता होती है उसका जोड़ एक होता है। दूसरी बात, ऐसी घटना जो घट ही नहीं सकती, जिसका घटित होना असंभव है, जो नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता जीरो होती है और उसको असंभव घटना कहते हैं। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटनी घटनी है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी एक होगी और उसको हम निश्चित घटना कहेंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, जितने भी उसमें प्रारंभिक घटनाएं हैं उनको अगर उनकी प्रायिकता का अगर हम योग कर दें, उनका सभी की प्रायिकता निकाल के सभी
जो घटनाएं उसमें उसका प्रयोग उसका जो योग निकाल दें, उसका योग कितना आएगा? एक आएगा। रिपीट करें, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। अब देखो, जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो, हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो प्रारंभिक घटना हेड और टेल हुई, तो टेल आने की प्रायिकता इसकी भी 1/2। अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें तो ये 1+1 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरह से किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हमें पता है कि जो घटना होगी वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0 से बड़ी होती है, और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो देखो यहां क्या बनेगा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर हो सकती है असंभव घटना के केस में, तथा 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। उसके बराबर कब होगी? जब निश्चित घटना होगी। तो यहां से किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में 1 अंक के लिए 1 क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक, संप्रायिक मतलब, संप्रायिक का मतलब समझते हैं एक बार पहले। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली संप्रायिक को इंग्लिश में बोलेंगे इक्वली लाइकली। इसका मतलब यह है कि सबके आने के चांस बराबर है। मानो देखो, जब हम एक कॉइन उछालते हैं, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, तो उसमें क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड या टेल आना संप्रायिक है, दोनों के चांसेस बराबर है, हेड आने के और टेल आने के चांसेस बराबर है। ठीक इसी तरह से जब एक हम पासा फेंकते हैं, पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाई, तो जब हम डाई उछालते हैं तो डाई में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जब डाई उछाली हमने, पासा फेंका, जब हमने 1 आना 2, 3, 4, 5 या 6, तो डाई पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो सबके आने के चांसेस बराबर है, तो सबके आने के चांसेस बराबर है, यानी कि ये संप्रायिक है। संप्रायिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सबके आने के चांसेस बराबर हो तो उसको हम संप्रायिक बोलते हैं। अब कुछ दी हुई है, कुछ टर्म्स दी हुई है, उसमें हमें यह बताना है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से कौन कौन से प्रयोगों का परिणाम संप्रायिक है। तो ये कुछ प्रयोग दिए हुए हैं, तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से संप्रायिक और कौन से संप्रायिक नहीं है। अब देखो, पहले में कहा उसने कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, एक ड्राइवर है जो कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब देखो, एक ड्राइवर ने क्या किया, हमारे पास क्या है, एक ड्राइवर ने क्या किया, कार चलाने की कोशिश की, क्या किया उसने, कार चलाना प्रारंभ किया। अब यहां से वो कह रहा है कि जब उसने कार चलाना प्रारंभ किया, एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है। एक तो ये केस हुआ कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है, एक बात, और दूसरा या प्रारंभ नहीं होती है, कार चलना
प्रारंभ नहीं होती है। तो ये पूछा है कि ये दोनों समप्राइक है कि नहीं, समप्राइक मतलब इक्वल लाइकली, यानी कि दोनों के चांस बराबर है या नहीं। अब देखो, आप किसी भी ड्राइवर को अपने दिमाग में सोच लो। एक ड्राइवर अपनी कार में बैठा और उसको चलाना प्रारंभ किया। अब वो जब चलाने की कोशिश करेगा, या तो उसकी कार चलेगी या उसकी कार नहीं चलेगी। लेकिन आप किसी के बारे में भी सोच के देख ले, काम आप जो कार होगी वो आमतौर पे तो चले ही। हाँ, उसमें किसी प्रकार का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, किसी प्रकार का दोष हो गया, तो फिर वो कार नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि कार के चलने की चलना और कार के ना चलना, इनके दोनों के चांसेस बराबर है। तो आमतौर पे तो क्या हो गया, ड्राइवर है, कार चलाना चाह रहा है, कार चलानी शुरू की तो कार चल जाएगी। अब वैसे भी सोच के देख लो कि एक ड्राइवर के पास एक कार है, तो जिसका काम ही कार चलाना है, तो उसने कार चलाने की कोशिश की, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई 50 बार उसने कार चलाने की कोशिश की और 50 बार में से 25 बार तो चल गई और 25 बार नहीं चली? ऐसा तो नहीं होता। तो यहां पे अगर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो नहीं चलेगी, अदरवाइज तो जब वो चलाने की कोशिश कर रहा है तो कार चल जाएगी हमारे पास। यानी कि दोनों के चांसेस बराबर नहीं है। या इसको और दूसरे तरीके से भी कहें कि अगर आप अगर कार खराब ही है पूरी तरह से और उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, अगर कार पूरी तरह से खराब है उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो चलेगी ही नहीं, तो यहां पे भी बराबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के जो चांसेस है वो बराबर हो, यानी कि ये जो प्रयोग के जो परिणाम है वो समप्रायिक नहीं है। यहाँ पे जो प्रयोग है, जो उसके परिणाम है, वो कैसे है, समप्रायिक नहीं है। जैसे एक कॉइन को उछालने को होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांस बराबर है, तो ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि परिणाम समप्रायिक नहीं है। तो किसी भी कंडीशन के साथ इसको कंपेयर कर ले। मान लो कि गाड़ी ठीक है, तो गाड़ी ठीक है, ड्राइवर चलाने की कोशिश करेगा तो चल जाएगी। हाँ, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस केस में शायद ना चले, तो आमतौर पे तो गाड़ी चलेगी, तो यहां पे उसके चलने के चांसेस ज्यादा है। और एक गाड़ी खराब ही खड़ी है, उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे चलेगी, तो चलेगी नहीं, तो यहां पे उसके ना चलने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पे बराबर वाली सिचुएशन नहीं है, तो यहां पे ये समप्रायिक नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड पार्ट में एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। तो एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न किया जाता है। अब यहां पे कहा गया है कि वह बास्केटबॉल में बॉल डल पाती है या नहीं डल पाती है। दो केसेस की बात कर रहे हैं कि जो बॉल है वो बास्केट में डल जाती है, और दूसरा बास्केट में नहीं डलती है। अब आप देखिए, मैं कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, मैं कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, तो मैं जब उस बॉल को
बास्केट में डालने का प्रयास करूंगा तो किस बात की संभावना ज्यादा रहेगी? इस बात की संभावना ज्यादा रहेगी कि बास्केट में वो बॉल नहीं डलेगी। लेकिन वो एक प्लेयर है जो बहुत एक्सपर्ट प्लेयर है बास्केटबॉल का, वो जो बॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है, तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे बॉल के डलने के लिए, बॉल के बास्केट में डलने के चांस ज्यादा होंगे। तो यहां पे ऐसे तो नहीं कह सकते कि भी सबके जो चांस है बास्केट में डलने के और बास्केटबॉल के बास्केट में ना डलने के वो बराबर होंगे, ऐसे तो नहीं है। जो एक्सपर्ट है उसके बास्केट में डलने के चांस ज्यादा होंगे और जो एक्सपर्ट नहीं है तो उसके बास्केट में डलने के चांस कम होंगे। बास्केट के अंदर बास्केटबॉल के डलने के चांस कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहां पे हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके चांस और इसके बास्केटबॉल के बास्केट में डलने के चांस और बास्केटबॉल के बास्केट में ना डलने के चांस बराबर होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहां पर भी हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि जो परिणाम है सांप्रायिक नहीं है, जो परिणाम है वो सांप्रायिक नहीं है। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, तीसरे पार्ट में उसने क्या कहा है। तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न है, एक सत्य असत्य प्रश्न है का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब देखो, सत्य असत्य प्रश्न है, उसका अनुमान लगाया है, तो उसका जो उत्तर है या तो सत्य है या असत्य है। तो यहां पे दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब अनुमान लगा के जवाब दे दिया तब वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। उसने जो जवाब दिया है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो उसके ठीक होने के चांस कितने हैं? 50% है, और उसके गलत होने के चांस भी कितने हैं? 50% है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर है, बराबर बराबर है, चांसेस हैं, ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। उसने जो अनुमान लगाया है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहां पे बात बन रही है कि जो परिणाम है जो सांप्रायिक है, यहां पे हमारे पास जो परिणाम है वो कैसे है? सांप्रायिक है। ठीक, इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म बच्चे का जन्म हुआ, अब वो बच्चा क्या है? या तो वो लड़का है या फिर वो लड़की है। चांसेस तो बराबर है, वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है। तो यहां पे भी चांस ऐसी ही तो सिचुएशन है, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, या बॉय है या फिर वो गर्ल है, तो चांसेस तो हमारे पास क्या है? बराबर है। तो ये भी जो परिणाम है इक्वली लाइकली है, परिणाम सांप्रायिक है। तो परिणाम कैसे है प्यारे बच्चों? सांप्रायिक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बेस है वो है सांप्रायिक। सांप्रायिक का मतलब उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जो परिणाम है उसमें, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी परिणाम हैं वो सबके होने के चांसेस बराबर बराबर है, फिर तो है सांप्रायिक। अगर चांसेस बराबर बराबर नहीं है फिर वो सांप्रायिक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सबसे पहले फुटबॉल को हिट कौन सी टीम करेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि
क्यों माना जाता है? इसके लिए एक सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? अब देखो, मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फुटबॉल में दो टीम है, टीम ए और टीम बी। अब मैं कहूं कि एक सिक्का उछाल दिया, एक कॉइन उछाला, तो कॉइन पे क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब टॉस किया, इनमें से कोई सी भी टीम से पूछ लिया कि चलो आप बताओ क्या लेना चाहेंगे, हेड लेना चाहेंगे या टेल के लिए करना चाहेंगे। अब चाहे हम हेड की बात करें चाहे हम टेल की बात करें, दोनों के आने के चांस बराबर ही तो है, दोनों के आने के चांस बराबर है, तो दोनों के जीतने के भी चांस बराबर है। दोनों के जीतने के चांस बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक न्यायसंगत विधि हुई, बस इतनी सी बात है। तो यहां से सिंपली हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार फिर दोबारा से। इसमें कहा गया है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? हम लिखेंगे कि खेल को प्रारंभ करने के लिए सिक्के को उछालने, सिक्के को उछालने को न्यायसंगत इसलिए माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के दोनों परिणाम, दोनों परिणाम कौन कौन से, एक तो चित और पट, आने की संभावना बराबर है तथा दोनों ही परिणाम समप्रायिक है, इक्वली लाइकली है, दोनों के आने की जो संभावना है बराबर है तो समप्रायिक है, तो समप्रायिक है तो यानी कि बिल्कुल अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड मतलब किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, तो इस वजह से एक सिक्के को उछालने को न्यायसंगत माना जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भी कौन पहले जो फुटबॉल को हिट करेगा ये डिसाइड करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं। अब सिक्के में कोई भी कहे कि मुझे हेड चाहिए तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो वो जीत भी सकता है वो हार भी सकता है, तो यहां पे दोनों के चांसेस बराबर है और दोनों के चांसेस बराबर होने की वजह से ये जो परिणाम है, इसके दोनों के जो परिणाम है हेड या टेल जिसको हम चितिया पट बोलते हैं, तो उसके जो चांसेस है वो बराबर है तो संप्रायिक है, संप्रायिक है तो यानी कि कोई पक्षपात दोनों में नहीं है। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 2/3, बी -1.5, सी 15% और डी 0.7। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?
इनमें से पूछा कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो, हमें पता है कि जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता है, वो जीरो से तो बड़ी होती है या बराबर होती है, और एक से छोटी होती है या बराबर होती है, यानी कि जीरो और एक के बीच में होती है, जीरो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। जब हम यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.66 आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। ये माइनस की होगी, तो माइनस का तो इसके बीच में चांस ही नहीं कोई, तो ये तो हो नहीं सकती। अब 15% का क्या मतलब है, 15/100, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 0.15, तो ये भी जीरो और एक के बीच में आ रहा है, और ये भी हमारे पास जीरो और एक के बीच में आ रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन सी नहीं हो सकती, तो ये माइनॉरिटी वाली नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, बी आंसर है इसका, क्योंकि उसने ये कहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस की नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। चलिए बच्चों, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यदि पीई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, अब एक घटना है ई घटना की प्रायिकता दे रखी है, ई घटना के नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि किसी घटना ई के होने की प्रायिकता दी हुई है और उसके ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, ना होने की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे, पी ई बार, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बात की थी इसकी, कि हमें पता है कि किसी भी घटना के होने की और उसके ना होने की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, एक होता है। अब उस घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है और उसके ना होने की प्रायिकता ई बार, वो हमें निकालनी है, तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो पी ई बार ये हमारे पास 1-0.05 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.95, तो ई नहीं घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है 0.95। यानी बच्चों, हमेशा ध्यान रखोगे कि जो प्रायिकताओं का, किसी भी घटना की प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो आप अपने आंसर को जरूर देख लें कि वो 0 और 1 के बीच में है या नहीं, 0 असंभव घटना की और 1 निश्चित घटना की, बाकी सभी की जो प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।